हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज हमने थीम फॉर टुडे में एक पॉजिटिव शिफ्ट डिस्कस किया था कि आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो वो फाइनली आपको मिलने वाला है। और हमारी इस रीडिंग में ये जानते हैं कि आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन और फेमिनिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, फेमिनिन की एनर्जीज यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ट्स की बन रही हैं, और ऑन दी अदर हैंड एयर ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हमारे मैस्कुलिन की हैं। तो फेमिनिन की लाइफ में हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसे अगर पॉपअप हो रही हैं जहाँ पर इन्हें अपने खुद के लिए एक स्टैंड लेना पड़ रहा है, या फिर अगर चीज़ों को इमीडिएट वे में बैलेंस करना पड़ रहा है, तो दे आर बिजी इन दोज काइंड ऑफ अ सिचुएशंस। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अपने मैस्कुलिन्स को किसी वे में प्रोटेक्ट करना, अगर कोई ऐसी भी सिचुएशन फेमिनिन सेंस कर रही है जहाँ पर इन्हें अपने मैस्कुलिन्स को प्रोटेक्ट करना है, या फिर इनके पक्ष में अगर कहीं बात करनी है, तो दे आर डूइंग इट। ओके, तो यही इम्पैक्ट आपके मैस्कुलिन्स पर भी शायद सेंस हो रहा होगा, बिकॉज दे आर इन एट ऑफ वैंड्स एनर्जीज। तो ये भी आपके टूवर्ड्स एक पाथ रेडी कर रहे हैं टू वॉक ऑन, यू नो। तो इनकी जहाँ तक एक प्लानिंग है, उससे भी कई ज़्यादा इनको चीज़ें नेचुरली होते हुए नज़र आ रही हैं। ये एक 4-4 पोर्टल का एक पॉजिटिव शिफ्ट है, जहाँ पर आपको फाउंडेशंस नज़र आ रही हैं, क्योंकि 4 इज़ द नंबर ऑफ अ फाउंडेशन, एंड आप लोग कुछ क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर। एक दूसरे के लिए एक क्लैरिटी में आना, और अपने उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए एक वे आउट प्लान करना, यू नो, फाउंडेशन ही तो यहाँ पर बिल्ट अप हो रही है। और आज हमने थीम फॉर टुडे वाले एनर्जीज में भी डिस्कस किया था कि आपके और आपके मैस्कुलिन की कोई बिगेस्ट विश की फुलफिलमेंट होने वाली है, आप लोग कुछ रिसीव करने वाले हो रिवॉर्ड्स के तौर पर फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर किसी ने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं, तो यू गाइज कैन ऑल्सो वॉच दोज एनर्जीज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फॉर टुडे, क्योंकि आज का जो 4-4 पोर्टल है गाइज, ये आपको एक फाउंडेशन दे रहा है जहाँ से आप अपनी लाइफ की एक ब्यूटिफुल जर्नी को प्लान कर सकते हो, या फिर अपनी लाइफ के डिज़ायर के वो ब्लॉक्स आप उस फाउंडेशन पर रख सकते हो, जहाँ से आपको एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग या फिर एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन आपको सेंस होगी। आपके ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी विश की फुलफिलमेंट होने वाली है, और ये विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स लेकर आ रहे हैं। तो आप दोनों की म्यूचुअल विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर एक नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो, आप हो सकता है अपने मैस्कुलिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो, आप इनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। और इन एनर्जीज को मैं इस वे में भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि यू आर रियली क्यूरियस टू नो अबाउट योर मैस्कुलिन्स नेक्स्ट एक्शन। आपको पता है कि नेक्स्ट एक्शन तो आने वाला ही है, ये आप अपनी इंट्यूशन से जान पाए हो, समझ पाए हो कि यहाँ पर कुछ एक बिगेस्ट लेवल पर शिफ्ट तो होने जा रहा है, फाइन। लेकिन ये कब तक होगा, कैसे होगा, किस वे में होगा, ये सारी चीज़ों को सोचकर आप शायद बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे एंड जल्दी में सारी चीज़ें देखना चाहते हो, इमीडिएट बेसिस पर सारी एनर्जीज को शिफ्ट होता हुआ आप देखना चाहते हो। ये आपकी क्यूरियोसिटी है, और साथ ही साथ एक पॉजिटिविटी भी है कि जो भी आप चाह रहे हो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाह रहे हो, दैट इज़ वाई आपके मैस्कुलिन्स को भी वो इम्पैक्ट मिल रहा है कि ये भी आपको मिरर कर रहे हैं, और आपके टूवर्ड्स जल्दी से आगे बढ़ने के लिए ये भी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। आप दोनों ही मिरर कर रहे हो, लेकिन अलग अलग वेज में। आप इनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहते हो, और ये आपको नेक्स्ट एक्शन देना चाहते हैं, यू नो। इजंट इट सो ब्यूटिफुल गाइज। आप देखते हैं कि
आपकी और आपके मैस्कुलिन की 3D लेवल पर एक दूसरे के लिए क्या एनर्जीज हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, जस्टिस एंड सेवन ऑफ वैंड्स ये फेमिनिन्स के एनर्जीज हैं फॉर देयर मैस्कुलिन्स, और ऑन द अदर हैंड एस ऑफ सोर्ड्स एंड द सन वाली एनर्जीज हैं ऑफ योर मैस्कुलिन्स टू देयर फेमिनिन्स। तो इट इज़ रियली वेरी सिंपल हियर कि आप अपने मैस्कुलिन्स के साथ जो भी एक फ्यूचर का ड्रीम देख रहे हो, उस ड्रीम के मैनिफेस्टेशन को आपने बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखा है एंड यू वांट दैट बैलेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स की तरफ आप देखते हुए एक जस्टिस सीख कर रहे हो कि अब काफ़ी टाइम से आपने एक फेयरनेस दिखाई और पेशेंटली आप बने रहे, ऑब्स्टिकल्स को आपने फेस किया, सारे चैलेंजेस को आपने कॉन्कर किया, अब आपको भी रिवॉर्ड चाहिए, तो जब आप यूनिवर्स की तरफ एक होपफुल नज़रों से देख रहे हो कि मुझे अब मेरा रिजल्ट चाहिए, मेरे लिए अब जो भी आपने रिवॉर्ड डिसाइड किया है वो अब मुझे रिवॉर्ड चाहिए, ये आप यूनिवर्स से लिटरल वेज में कह भी रहे होंगे। एंड बिकॉज यू गाइज आर इन सेवन ऑफ वैंड्स एनर्जीज, आप हारना तो नहीं चाहते, आप बिल्कुल भी हारने नहीं वाले, भले ही कितनी ही दिक्कतें या फिर स्टिल अगर चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े, इवन इफ इट इज़ अबाउट सम डिलेज एंड ऑब्स्टिकल्स, तो आप वेट करने के लिए रेडी हो, लेकिन हारना नहीं चाहते, हर हाल में आप जीतना चाहते हो, और आपकी एक जिद है यूनिवर्स की तरफ के मुझे अब ये पर्सन चाहिए, मैं इस पर्सन को अब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इस सिचुएशन को होल्ड करके रखा है और अब मैं इतनी दूर आकर हारना नहीं चाहती, और इतना पेशेंस मैंने रखने के बाद अब मैं हार जाऊँ या फिर वॉक अवे हो जाऊँ ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इस सिचुएशन में एक जस्टिफिकेशन चाहिए, एक जस्टिस चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए, और मेरे साथ फेयर वे पर आप सारी चीज़ें कर दीजिए, ये आप यूनिवर्स से कह रहे हो गाइस। और ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको एक डीप डाउन एक रियलाइजेशन हो चली है, आपको पता है कि अब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने सच में इस सिचुएशन पर अपना 100% दिया होगा गाइस। आपका जो अप्रोच है इस सिचुएशन के टूवर्ड्स वो बहुत ही ज़्यादा प्योर इंटेंशंस के साथ ही बन रहा होगा, तो यू गाइस नो, और एक पॉजिटिविटी ऑलरेडी आपको बहुत पहले सेंस हो चुकी थी, इसीलिए आपने इस पाथ को चुना और इस पर चलने लग पड़े। जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कुछ बातें इस वे में बताई थी गाइस कि आपका एक पेनफुल साइकिल गुजरा है, आपको कुछ एडवर्सिटी सेंस करनी पड़ी है, तभी आप इस रास्ते की तरफ पुश करवा दिए गए हो बाय द यूनिवर्स। अगर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन पर आप एक जस्टिस चाहते हो, तो ये जस्टिस लेने के लिए भी यूनिवर्स ने ही आपको पुश किया था, तो थैंक्स टुवर्ड्स द यूनिवर्स कि फाइनली आपको यूनिवर्स ने ही वो राह दिखाई, भले ही आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ होगा, क्योंकि आपको सबक सिखाने के लिए या फिर आपको एक ट्रिगरिंग देने के लिए आपको पेन भी दे देता है यूनिवर्स, ताकि इवेंचुअली आपकी जहाँ पर एक बेटरमेंट है और आपका जो बेटर फ्यूचर जहाँ पर बिलोंग करता है, तो वहाँ पर आपको भेजने के लिए यूनिवर्स भी कभी कभी आपके साथ ऐसे ट्रिक्स टर्न्स एंड ट्विस्ट करता रहता है। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए अगर रेडी नहीं भी थे, तो आपको रेडी करवाया गया, आपको वो पेन भी दिया गया, आप उस लेसन में पास भी हो गए गाइस, तो अब आप शायद अगर रिवॉर्ड्स के लिए इंतज़ार भी कर रहे हो, तो यू नो समवेयर डीप डाउन इन योर हार्ट कि आप ऑलमोस्ट रिच हो गए हो, अब आप जीतने ही वाले हो, अब आपको वो रिवॉर्ड मिलने ही वाला है। तो ये एनर्जीज हैं आपकी 3D लेवल पर अपने मैस्कुलिन्स को लेकर, शायद आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो कि फाइनली यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्सन इन योर लाइफ। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स एंड द सन वाली है, तो इनके साथ भी ये चीज़ें मिरर हो रही हैं गाइस, ये भी एक बहुत अपनी लाइफ की एक बिगेस्ट क्लैरिटी में आ गए हैं, ये इनकी बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कह सकती हूँ मैं, इस बार इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ये एक हायर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इस तरह के लेसन्स इन्होंने ना तो अपनी लाइफ में कभी सीखे थे, ना ही कभी ऐसी सारी चीज़ों से इनका सामना हुआ था। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ों को, अनसर्विंग चीज़ों को अपनी लाइफ से कट किया है, ताकि ये वो सनशाइन देख सकें, अपनी लाइफ का वो ब्राइटेस्ट साइड देख सकें, और
आपके साथ वो एक कंप्लीशन देख सकें। यू नो, काफ़ी टाइम से अगर ये एक डार्कनेस में चल रहे थे ड्यू टू फियर्स एंड कुछ ऐसे बिलीव जो कि मैस्कुलिन्स के अक्सर फियरफुल बिलीव्स होते हैं, डीप रूटेड इनके कुछ पैटर्न्स होते हैं जहाँ से ये इतनी इजीली आज़ाद नहीं हो पाते, ये इनका शैडो साइड होता है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, यू नो, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, फाइन, और वहाँ से छूटने में इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अब आपके मैस्कुलिन्स को वो एनकरेजमेंट धीरे धीरे मिल रही है, इनके सभी चक्रास पर हो सकता है एक एनर्जी फ्लो ये सेंस कर पा रहे होंगे, तभी एक बैलेंस सेंस कर पा रहे हैं, अदरवाइज इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट ऑफ दिस लाइक फियरफुल एनर्जीज या फियरफुल जोन, जो भी जहाँ पर भी ये स्टक थे अब तक भी, यू नो, तो ये भी एक वो सनशाइन देख पा रहे हैं जो इनको आपकी तरफ लीड करवा रहा है। तो इनकी भी एनर्जीज आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल वे में मिरर कर रही हैं गाइस। अब इनको काफ़ी सारी बातें पता चल गई हैं और आपके बारे में इनको जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकॉन्सेप्शन थी वो अभी क्लियर हो गई है। ये अपने माइंड से, अपने हार्ट से, दोनों ही वेज में ये एक अलाइनमेंट में आ गए हैं और ये एक बहुत ब्यूटीफुल शिफ्ट होता है जहाँ पर आपका माइंड एंड सोल और हार्ट एक अलाइनमेंट में आता है और तब आप एक जो स्टेप लेते हो वो आपके हाइएस्ट गुड के लिए सही होता है। ओके, तो देख रहे हो आप यहाँ पर एनर्जीज आप दोनों की ही कितनी काफ़ी लेवल्स पर मिरर कर रही हैं। तो जो भी आपने शिफ्ट बनाया है या फिर जिन भी एनर्जीज में आप अभी बने हुए हो, इन एनर्जीज को कंटिन्यू रखिए गाइस, कि आपके मैस्कुलिन को भी वो एनकरेजमेंट या इंस्पिरेशन आपकी तरफ से मिलता रहे, फाइन। तो आप देखते हैं कि 5D लेवल पर आप दोनों की एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, तो ज़रूर आपके जो पास्ट लाइफ की जो भी ब्यूटीफुल सी मेमोरीज हैं, इवन अबाउट द पास्ट लाइफ थिंग, जहाँ से आपको ओवरकम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पास्ट में इवन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई होंगी और कुछ अच्छे पल भी आपके हो गुजरे होंगे, तो अगर आप दोनों को एक दूसरे से काफ़ी सारे वेज में कंप्लेंट्स थी एक दूसरे की तरफ कि एक लॉयल्टी को लेकर या फिर जो ये अपना एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन आपके सामने नहीं रख पाते थे उसको लेकर जो भी कंप्लेंट्स थी एक दूसरे की तरफ, वो कंप्लेंट्स फाइनली आप दोनों रिलीज कर पा रहे हो, यानी कि उन कंप्लेंट्स से आप फाइनली खुद को रिलीज कर पा रहे हो। अब आप एक दूसरे पर वो कंप्लेंट्स नहीं रखते, वो डाउट्स या फिर एक कह सकती हो ना, वहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व होती हुई आपको शायद नज़र आ रही होंगी। ये आपका सबकॉन्शियस लेवल है और जब सबकॉन्शियस लेवल पर चीज़ें सॉर्टेड होना शुरू हो जाती हैं तो रिमेंबर वन थिंग, ये आपके 3D लेवल पर बहुत ही ब्यूटिफुली रिफ्लेक्ट करता है जो भी आप सबकॉन्शियस वे पर रिजॉल्व करते हो। तो कहने का ये मतलब है, जब आप 5D लेवल पर अपने पर्सन से एक प्योर इंटेंशंस या फिर प्योर थॉट्स के साथ जब एक कनेक्टिविटी में आ जाते हो तो वहाँ से चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। ये आप आइदर विद द मेडिटेशन भी कर सकते हो गाइस, जब आप अपने मैस्कुलिन को सोचते हुए एक स्टिल पोजीशन में बैठ जाओगे, स्टिल थॉट्स एंड फीलिंग्स में बैठ जाओगे, वो भी एक मेडिटेशन ही है जहाँ पर आप अपने पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हो विद दैट सेम थॉट या फिर विद दैट सेम इंटेंशन, तो आपके मैस्कुलिन वहाँ से आपके साथ एक कनेक्टिविटी में आते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, आपकी वहाँ पर इंटेंशन क्या है, आप किस वे में अपने मैस्कुलिन को इमेजिन कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वहाँ पर कुछ पेनफुल ग्रजेस या फिर आप पास्ट की वही स्टैग्नेशन थॉट्स को लेकर इन्हें सोच रहे हो तो यही आप इनकी तरफ भेज भी रहे हो। तो आपको हमेशा जब भी अपने मैस्कुलिन से एक कनेक्टिविटी में आना है तो आपको अपने थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड क्लियर रखना पड़ता है गाइस, और अपने इंटेंशंस को भी आपने प्योर रखना होता है। तो यही आपने किया है इस बार, आपने एक दूसरे की तरफ जो भी आपको कंप्लेंट्स थी वो रिलीज़ किया है और तब आप एक कनेक्टिविटी में आए हो। तो दैट इज़ वाई आप जो 3D लेवल पर एक शिफ्ट सेंस कर पा रहे हो, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर 5D लेवल एनर्जीज। ऑलराइट, तो आप देखते हैं कि
कि यहाँ पर आपकी तरफ से अगर आपके मैस्कुलिन के टूवर्ड्स कोई नेक्स्ट एक्शन पॉसिबल है तो वो क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती, दे आर वेटिंग फॉर देयर मैस्कुलिन टू टेक सम एक्शन हियर। और यहाँ पर आपको 100% विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आपके मैस्कुलिन 100% आपके टूवर्ड्स कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। और यही पॉजिटिविटी जब आप अपने अंदर बिल्टअप कर रहे हो तो वो सेम वाइब्रेशंस आपके मैस्कुलिन्स तक पहुंच भी रही हैं और कहीं ना कहीं ये इन्हें पुश कर रहा है टू टेक सम एक्शन, यू नो। तो आप फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो, मे बी आपने दूसरों से भी एक डिस्कनेक्ट बना कर रखा होगा। यू गाइज आर नॉट बींग सोशली एक्टिव, ओके। आप एक होपफुल एनर्जीज में हो, आप कुछ यूनिवर्स से बहुत ही हाई लेवल पर मैनिफेस्ट करते जा रहे हो और आपकी एनर्जीज से बहुत क्लियरली शो भी हो रहा है। और ये सारी आपकी एनर्जीज की वाइब्रेशन आपके मैस्कुलिन्स भी सेंस कर पा रहे हैं गाइस, ओके। तो आप देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन्स अगर कुछ एक्शन लेंगे तो वो क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन आने वाले हैं गाइस। इसका मतलब यही है कि इन्हें फाइनली एक रियलाइजेशन हो चुकी है कि इनके लिए कौन क्वीन ऑफ कप्स है और ये इस क्वीन ऑफ कप्स से दूर नहीं जाना चाहते। मतलब अगर ये चले भी गए थे यहाँ से, उस सिचुएशन से अगर ये आपसे दूर वॉक अवे हो गए थे, तो नाउ दिस इज द टाइम दे हैव टू कम बैक और आपके टूवर्ड्स एक एक्शन लेने की यहाँ पर बात हो रही है गाइज, क्योंकि आप यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स हो। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जैसे कि आप सभी जानते हो एक डिवाइन फेमिनेंस वाली एनर्जीज हैं, तो आपके मैस्कुलिन अगर कहीं लौट रहे हैं तो वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास ही लौट रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इनका जो एक कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल पर अभी प्रोसीड हो रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर पास्ट में आपके और इनके बीच में किन्हीं इमोशनल पैटर्न्स के चलते एक पेनफुल सिचुएशन से आप अगर दोनों ही गुजर चुके हो, तो वो पेन भी इन्हें जाने नहीं देता, यू नो। वो पेन ही है जो इनको आपके टूवर्ड्स एक कमबैक वाली सिचुएशन में लेकर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस वे में बताऊं कि जैसे कि पेन भी उसी पर्सन के साथ ज़्यादा फील होता है गाइस जिसके साथ हमारा एक लव बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब हम डिसअपॉइंट भी अगर किसी पर्सन से हो रहे होते हैं तो उसी पर्सन से होते हैं जिससे हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिसके साथ हमारा एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है, लव बॉन्ड होता है। और आपके मैस्कुलिन यही लव बॉन्ड आपके साथ शायद सेंस करेंगे और यही वजह है इनका कमबैक करना आपकी लाइफ में, कि वो जो पास्ट की स्टिल जो भी पेनफुल मेमोरीज हैं वो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मतलब एक डिसकंफर्ट इनकी लाइफ में क्रिएट होता जाएगा अगर ये आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि हाउ दे कैन मिस देयर क्वीन ऑफ कप्स, इजंट इट। ये 100% समझ रहे होंगे गाइस कि आप दोनों ने कुछ को क्रिएट किया था और जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर जो भी आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स रही हैं उसके चलते आपके साथ बना बनाया एक इमोशनल एम्पायर कैसे छोड़कर जा सकते हैं, यू नो। वहाँ पर ब्यूटीफुल सी लव मेमोरीज भी हैं, कुछ पेनफुल यादें भी हैं, लॉट्स ऑफ टीयर्स हैं, यू नो, इमोशंस हैं, सब कुछ ये छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो दैट इज़ वाई दे हैव टू कम बैक और इसी वे में ये शायद एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स। अगर इनको एक लिटरल जर्नी लगता है गाइस, तो ये वो जर्नी तय करेंगे। और अगर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अगर कम्युनिकेशन को लेकर है, वो डिस्टेंस आपके मैस्कुलिन फाइनली कवर कर देंगे। तो यही शिफ्ट था आप लोगों का गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।